कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने 26 नवंबर को चक्का जाम की भी धमकी दी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर करनाल के बस स्टैंड पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के प्रधान ने बताया कि सरकार दूसरे विभागों से परिवहन विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों को समायोजित करने का फरमान जारी कर चुकी है, जिसका कर्मचारी तालमेल कमेटी जोरदार विरोध करती है। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए कर्मचारी हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों को भी पूरा करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो 26 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। उनकी गड्डी 20 है और हमारी 30 है, तो घाटा तो अपने आप ही हो गया। हमारा टाइम ही नहीं मिलेगा, जब एक 18 मिनट एक प्राइवेट दे रखी है, जिसके टाइम होने चाहिए थे उनके हमारे बराबर, उनके साइड टाइम करके हमारे 40 करके, तो घाटा तो दूसरी बात में हमारे महकमे ने घाटा होगा। दूसरी बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस आरटीए साहब के पास आप जाइए और उससे जवाब मांगिए कि रोडवेज की तालमेल कमेटी एक आपके ऊपर आरोप लगाती है, आरोप सच्चा। अगर आरटीए करनाल ये कहते अभी मेरे ऊपर आरोप गलत है तो आप हमारे से फोन करिए, हमारी तालमेल कमेटी आपके पास आएगी, आपकी बीटो होगी, एक तरफ आरटीओ होगा एक तरफ तालमेल कमेटी होगी। आप बताइए भाई, 18 मिनट तो प्राइवेट को और 9 मिनट सरकार की बस को, ये आरटीए सरकार का है या प्राइवेट का, आप पूछिए उसको जाके। परिवहन मंत्री जी करनाल के आरटीओ को बुलाइए और ये पूछिए कि 18 मिनट तो प्राइवेट को दे रहा और 9 मिनट सरकार को दे रहे, कहाँ का कानून है ये? और फिर दूसरी तरफ रोडवेज को घाटा है तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों बिल्कुल टाइम सेम होना चाहिए जी। सरकार की मिली भगत है, बिल्कुल सरकार की मिली भगत है, अधिकारियों की मिली भगत है, प्राइवेट ऑपरेटरों की मिली भगत है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा था ये सारे पावर रोडवेज के अधिकारी के पास होने चाहिए। कानून परमिट के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है, सरकार की जो बस होगी रोडवेज की बस होगी उसको सेम टाइम दिया जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जींद के परमिट है, भिवानी के परमिट है, सीटीयू का टाइम है, तो उनके टाइम कहाँ है? आप देखिए डिवाइड करिए कितने मिनट आएंगी, चाहे 4 मिनट आओ चाहे 2 आओ, हम तैयार हैं। लेकिन ये थोड़ी होता है कि भाई प्राइवेट को 18 मिनट दे दी, रोडवेज को 9 मिनट दे दी, कहाँ का कानून है? आप ये आरटीओ की एक बात पूछिए, उनको आरटीओ साहब आप प्राइवेट के आरटीओ हो या फिर इसके सरकार के आरटीओ, ये बिल्कुल मिली भगत आरटीओ के साथ साफ आरोप है हमारा। अगर आरटीओ इस आरोप को नकारता है तो हमारे को तालमेल कमेटी को बुलाइए और हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। जी कितने देर की हड़ताल पे बैठे हो? अभी हड़ताल नहीं है, गेट मीटिंग गया, 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है। सरकार अगर फिर भी नहीं करती तो हड़ताल भी हो सकती है, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है और रोड वेज का चक्का जाम होगा, यह सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। आम जनता को परेशानी की आज की इस गेट मीटिंग की अध्यक्षता हमारी तालमेल कमेटी ने की है, और इस गेट मीटिंग का करने का उद्देश्य यह है कि हरियाणा की सरकार दूसरे विभागों से अधिकारियों को यहां रोडवेज के अंदर लगाना चाहती है। ये जो फरमान सरकार ने जारी किया है, इस फरमान को हम बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोडवेज को भी बंद करेंगे, बिल्कुल पूरा हरियाणा भी बंद करेंगे, तो सरकार समय रहते ये जो कानून बनाया है इसको वापिस ले। क्या कानून है? कानून ये है कि भाई दूसरे विभागों के जैसे HES IAS पुलिस के, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री माननीय परिवहन मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई दूसरे विभाग के एक पुलिस विभाग का DSP है या SP है, उसको क्या ज्ञान है रोडवेज के बारे में बताओ, क्या ज्ञान है उसको, क्या पता भी रोडवेज कैसे चलेगी? अगर सरकार ने घाटा पूरा करना है
मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ कि जो आरटीओ को ये चलान करने की पावर दे रखी है, आप 6 महीने के लिए हमारे रोडवेज के डिपार्टमेंट के अधिकारी को ये पावर दे और उसके बाद फिर रोडवेज के मुनाफे को देखें। आरटीए अब ये गाड़ियाँ प्राइवेट आरटीए कब आता है बस स्टैंड के अंदर, कब पूछता है कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ चलनी चाहिए, कहाँ चल रही है? इनकी नाइट करनाल होती है, पुंडरी से गाड़ी के आगे आगे आ रहे हैं, रोडवेज की बस सरकार की बस पीछे पीछे आ रही है, करनाल में नाइट है और सन से आगे आगे आ रही है, शाहबाद यहाँ नाइट है, शाहबाद से आगे आगे आ रही है। अगर ये चलान करने की पावर हमारे रोडवेज के अधिकारी के पास हो, टीएम साहब के पास हो, माननीय जीएम साहब के पास हो, तो हम जाके एकदम कह देते कहेंगे कि भाई ये गाड़ी आ रही है, अवैध आ रही है, इसकी नाइट यहाँ थी, हमारी गाड़ी को घट्टा घेर के आ रही है, तो इसको बोंड किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए। कानून बनाने की तो बात यह है, रोडवेज को उभारने की बात यह है, ऐसा कानून बनाया जाए अगर प्राइवेट गाड़ी कहीं गलत नाइट करती है और हमारी गाड़ी के आगे आगे आती है, जैसे नाइट करनाल और आती हुआ संत से हो, नाइट करनाल आती हुआ पुंडरी से हो, नाइट करनाल आती हुआ शाहबाद से हो, ऐसा कानून बनाए अगर कोई प्राइवेट गाड़ी ऐसे आती मिली तो उसको बॉन्ड किया जाएगा, पहली बार बॉन्ड किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, दूसरी बार उसका परमिट कैंसिल किया जाएगा, फिर रोडवेज के मुनाफे को देखे प्रधानमंत्री जी। रोडवेज का इतना कर क्या ना है जी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.